हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आ गए रावस्टन हिंदुआरी, और आज हम लोग जो गाइस आए हैं यहाँ पे, तो आज काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का उद्घाटन है, और आज ये कंपनी यहाँ पे अपना प्लांट लगाई है हिंदुआरी में, रावस्टन हिंदुआरी में। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपनी जगह आए काफ़ी अच्छा। आइए गाइस, इसको नजदीक में आपको ओवरव्यू कराते हैं इस डेयरी का। तो गाइस, हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं। तो गाइस, ये अंदर का व्यू है। देख रहे हैं ये काशी प्रोड्यूसर मिल का ये छोटा सा यूनिट हमारे सोनभद्र हिंदुआरी में लगाया गया है, और ये काशी मिल की टीम पूरा मैनेजमेंट करते हुए। तो गाइस देख रहे हैं, सैंपल रिपीट लाओ भाई, सैंपल रिपीट एक ही नहीं है, सैंपल रिपीट लाओ, सैंपल रिपीट लाइए। तो जाइए, जैसा गाइस देख रहे हैं, चक्रकट्टा गड़वा मजगांव ये सारे दूध आए हुए हैं। देखिए, दूध का सैंपल लिया जा रहा है ये सैंपल, और ये थिकनेस बताएगी, और इससे दूध की प्राइस निकाली कर दीजिएगा। हाय, ये काशी मिल्क की टीम है जो कि आज कंपनी का उद्घाटन है। तो गाइज, आपने देखा काशी मिल्क की टीम से हमने रूबरू कराया, और आज इसका उद्घाटन था, और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का नारा है हर घर काशी। तो अब किसानों को जो दूध बेचने की दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, रेट का इश्यू आता था, वो काफ़ी आसान हो जाएगा, और ये घर से उठा ले जाएगी, आपके घर से दूध बड़े आसानी से ले जाएगी। गाइस, आज एक चीज है, पशु एक ऐसी चीज, एक ऐसी नियामत गिफ्ट की है जो दिन में दो बार आपको आमदनी दे सकती है। सूर्योदय हुआ, आप खुली बाहर आए, आपके पैसे खड़े हैं। सूर्यास्त हुआ, आप घर को लौट रहे हैं, आपके पैसे खड़े हैं। आप किसी क्षेत्र में गाय है ना, अभी उतनी डेवलप नहीं है, मतलब नस्ल सुधार अभी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। और जो आपके क्षेत्र में गाय है, अभी 2 लीटर 4 लीटर बस इतना ही दूध देने वाली गाय है। एक किसान से मैं मिला तो उनके पास 10-12 गाय थी, तो उनके पास जो है दूध नियर अबाउट 73 लीटर हो रहा था। उनसे भी चर्चा किया तो उनमें भी जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया मुझसे कि जो बालीपन की समस्या है आपके क्षेत्र में, इसके अलावा और जो आपका बेल्ट है वो बफेलो पॉपुलेशन का है, मतलब कि भैंस की संख्या ज़्यादा है ना, और भैंस भी ऐसी है जो 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर वाली है, ज़्यादा दूध देने वाली नहीं, इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला तो नस्ल सुधार की सुविधा के लिए जो है आपके क्षेत्र में, आपके ही क्षेत्र ट्रेनिंग से आएंगे तो आपके यहाँ बहुत अच्छी नस्ल का सीमेन लगाएंगे आपके पशुओं को। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में नस्ल सुधार होगा, और नस्ल सुधार होने की वजह से ज़्यादा दूध उत्पादन होगा। जो आपके यहाँ भी 2 लीटर 4 लीटर 6 लीटर जो घर पर दूध हो रहा है ना, वही 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर होगा फिर। और आने वाले समय कंपनी अपनी टीम के साथ छोटी सी मीटिंग करते हुए, काशी कंपनी की एक प्लस पॉइंट है गाइस, जैसा कि ये अभी हमने यहाँ पे आए तो हम लोग को पता चला
कि अगर काशी कंपनी जो जो किसानों का जो दूध कलेक्ट करेगी उससे उचित रेट तो देगी देगी, साथ में अगर जैसे गाय को सीमन चढ़ाना हुआ तो वो भी काशी कंपनी आपको ये फैसिलिटीज देती है, और ओनली 50 रुपीज में चढ़वाते हैं वो काशी कंपनी ओनली 50 रुपीज में आपको ये सीमन की सुविधा आपको दे देगी। तो गाइस ये काशी कंपनी का काफ़ी सराहना कदम है, और आपको प्लस एक चीज़ और है कि अगर काशी कंपनी से आप जुड़ते हैं, काशी कंपनी को अगर आप साइन करते हैं, काशी कंपनी से आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्टर की भी सुविधाएं हैं, यानी कि आप जो डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर को फीस देते हैं, जो चार्ज देते हैं वो भी आपको एक निःशुल्क आपको परामर्श आपको ये काशी टीम आपको प्रोवाइड करती है। तो गाइस काफ़ी अच्छा योगदान है और काफ़ी अच्छा सराहनीय। आपने देखा काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का एक छोटा सा शुभारंभ हमारे सोमवर डिस्ट्रिक्ट में हिंदवारी में, जो कि कंपनी के चेयरमैन वगैरह साथ में अपने सहायकों से बातचीत करते हुए मुलाकात करते हुए और एक छोटा सा शुभारंभ है, और काफ़ी अच्छा सोच है जो किसानों को एक राहत दिलाएगा, जो काफ़ी उनको दिक्कत आती थी दूध को बेचने में, उनको दूध तो बेचते थे पर उनको उनके उचित मूल्य नहीं मिल पाते थे। तो ये काशी मिल्क प्रोड्यूसर का काफ़ी अच्छा सराहनीय योगदान है हमारे सोमवार डिस्ट्रिक्ट में। तो ओके फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।